गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो वैसे अभी तो बज रहे हैं शाम के 5:45, लेकिन आपको मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो होगी अपलोड सुबह में 8 बजे कल के दिन में। इसीलिए अभी मैं, निकुल और उसकी मम्मी तीनों कहीं घूमने के लिए निकल पड़े हैं। एक्चुअली मैं मार्केट में भी थोड़ा काम है और कहीं सोचा है कि कहीं घूमने चले जाते हैं, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों हम एक्चुअली में पहुंच चुके हैं SRC गार्डन में, सड बेलो टेम्पल्स एंड आदिसर पॉन्ड में। इस तरफ है तालाब मतलब पॉन्ड, और इस तरफ है मंदिर शिव जी का जो कि अभी बंद है, पर मैं उस मंदिर में भी जाके दिखाऊंगा आपको। तो गार्डन में और तालाब में शेयर करने के लिए निकलते हैं, अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों हम अभी जस्ट एंटर कर चुके हैं इस गेट से, और इस तरफ देखिए पूरा एक बड़ा सा तालाब, बीच में सी पॉइंट देखने के लिए, और छोटी छोटी दो तीन नहीं, आज तो ज़्यादा है, पहले 2-3 ही होती थी नौकाएं जो कि चलाते हैं लोग, इसका टिकट होता है सामने बच्चों के खेलने के लिए। और ये बीच में भाई प्रताप स्मारक और शी पॉइंट, जहाँ से पूरे तालाब का लुफ्त उठा सकते हैं। पूरा देख रहे हो आप, आदिसर पॉन्ड कहते हैं इसको, और तो आपको दिखाते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरा एक चक्कर लगाएंगे पहले, बाद में बोटिंग भी करेंगे अगर टाइम रहा तो, क्योंकि सूर्य आप देख रहे हो। अभी मार्केट में भी मेरे को काम है एक्चुअली में, इसीलिए पर आज सोचा था कि आज थोड़ा बाहर घूमने निकलेंगे, तो निकल ही गए एक्चुअली में। ये देखो, ये पीछे पीछे दोनों आ रहे हैं, और ये मैं भी आ गया उनके साथ में बैक कैमरा से। तो ओ ये देखिए छोटे बच्चों के लिए झूला, छोटे बच्चे के खेलने के लिए हवा वाला जो होता है लपशनी, स्लीपिंग स्लीपर वो है। और सामने हमारे भैया जी खड़े हैं कमल पानीपुरी वाले, जो कि पहले हम उनके आसपास में रहते थे। ये देखिए, मैं आपको डायरेक्ट वहीं लेके चलता हूँ, कमल पानीपुरी सत्य प्रकाश महाराज। ये देखिए, ये खड़े हैं सत्य प्रकाश महाराज जी। ये देखिए दोस्तों, हम सी पॉइंट पे जा रहे हैं एक्चुअली में, भाई प्रताप स्मारक के पास। और ये देखो, इनको चलने का शौक चढ़ा है अभी, जो कि चल रहे हैं, वहाँ से चला के लेके आ रहे हैं इनको, और चल रहे धीरे धीरे, इनको भी चलने में मज़ा आ रहा है पता नहीं क्यों। और ये हम पहुँच चुके हैं भाई प्रताप देउलदास के अंतम संकुल के स्थापक, 1908 में जन्म हुआ था, 1967 में उनका देहांत हुआ था। और ये बड़ी सी प्रतिमा एक उन भाई प्रताप की, जो कि काफ़ी सालों से मैं तो देखते आ रहा हूँ, 3-4 साल से तो इधर। और इस प्रतिमा को 2003 में स्थापित किया गया था माननीय श्री लाल कृष्ण अडवाणी उप प्रधानमंत्री द्वारा, जो कि इसको 20 साल हो गए करीब करीब। और ये पूरा यहाँ से ऐसे दिखता है पूरा, देखो ये, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको शी पॉइंट, क्योंकि ये एक सेंटर में है और सेंटर से पूरा दिखता है आजू बाजू का, चारों तरफ का तालाब, लोग घूम रहे हैं बहुत सारे नहीं, अभी तो कम ही है, लेकिन घूम रहे हैं, और ये खुश हो गए हैं देख के ही। देखिए दोस्तों, ये बोट चल रही है, जो पैडल बोट होती है ना, जो पैर से चलाते हैं, वो वाली बोट चल रही है। थोड़ी देर में हम भी बैठेंगे बोट पे, सामने की तरफ बच्चों को खेलने के लिए लसरपट्टी और झूला बहुत कुछ है, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि अंधेरा हो चुका है,
अंधेरा नहीं हुआ है लेकिन थोड़ी देर में होने वाला है। ये देखो ये तो निकल भी पड़े हैं, तो देखते हैं उधर जाते हैं किधर जाते हैं। लेकिन बोटिंग करनी वो फिक्स है। ये देखो क्या मस्त सा नज़ारा दिख रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ गए दूसरी तरफ और यहाँ भी लोग बैठ के बातें कर रहे हैं और चल रहा है। ये देखो ये पीछे आ रहे हमारे निकुल और उसकी मम्मी, और मैं भी आ गया साथ में। चलते रहते हैं, कैमरा मेरे से संभल नहीं रहा, पता नहीं क्यों आज दिक्कत वाली बात हो गई है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों बोटिंग का मज़ा लिया जा रहा है। ये देखिए ये हमारा ऐसा ही चलता रहेगा थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट में हम पैडल मार के थक जाने वाले हैं। भाई साहब है साथ में तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पड़ने वाली है, लेकिन अगर अकेले रहते तो तकलीफ़ थी। तो भाई साहब की फैमिली और मेरी फैमिली दोनों ने साथ मिल के बैठे हैं अभी, तो चलते रहते हैं आपको दिखाते रहते हैं बोटिंग में बैठे नज़ारा। ये देखिए बीच में भाई प्रताप स्मारक और पूरा नज़ारा। अभी सूर्य अस्तने को है, थोड़ा सा ही बचा है, डूबने की पूरी तैयारी में है। और ये देखो ये निकुल मज़े लूट रहे हैं पानी का। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों जस्ट फिलहाल हम आडिसर पॉन्ड से बोटिंग करके बाहर निकल आए हैं, क्योंकि अभी अंधेरा होने की एग्जैक्ट तैयारी है और हमको थोड़ा मार्केट में भी काम है, इसीलिए जाना पड़ेगा। तो बोटिंग करके मज़ा ही आ गया, पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने, क्योंकि दिखाई दिया है आपको। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों जस्ट फिलहाल घर पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए कुछ सब्जियां लेके आना पड़ा मार्केट से, मिर्ची फूल गोभी वगैरह टमाटर वगैरह, क्योंकि ये तो है नहीं। और निकुल की मम्मी के लिए चप्पल भी लेके आए। निकुल इधर पे खेल रहा, और ये देखो मयूर भी आ गई इधर पे, देख रहे हो आप। ठीक है तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी मेरे को निकुल की मम्मी के अभी मेरे को शेविंग करवाने और बाल कटवाने भी जाना है, तो उसको भी लग जाएगा टाइम। मिलते हैं आपको। दोस्तों जस्ट फिलहाल खाना हो चुका है और निकुल की मम्मी भी का अभी भी खाना चल रहा है, क्योंकि निकुल को सुलाने के बाद वो खाना खाने को आई थी। मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने और शेविंग करवाने। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा फुल शेविंग, मतलब क्लीन शेव और बाल कटे हुए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल द इंडियन व्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।